अजय कुमार मुखर्जी एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, पश्चिम बंगाल राज्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। यहां उनके बारे में मुख्य तथ्यों के साथ एक अधिक विस्तृत जीवन कहानी दी गई है। तथ्य नंबर एक, अजय कुमार मुखर्जी का जन्म 1 अप्रैल 1901 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। तथ्य नंबर दो, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में पूरी की और कानून की पढ़ाई की। मुखर्जी कानूनी पेशे में खुद को स्थापित करते हुए एक सफल वकील बने। तथ्य नंबर तीन, अजय कुमार मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे। तथ्य नंबर चार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 1967 से 1970। मुखर्जी अपने राजनीतिक जीवन के दौरान दो बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। पहला कार्यकाल 15 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक। दूसरा कार्यकाल 14 मार्च 1969 से 2 जुलाई 1970 तक। तथ्य नंबर पांच, मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न विकास पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। तथ्य नंबर छह, अजय कुमार मुखर्जी ने 1977 में जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता पार्टी विपक्षी दलों का एक गठबंधन था जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के जवाब में एक साथ आए थे। तथ्य नंबर सात, आपातकाल के दौरान विरोध। मुखर्जी ने आपातकाल अवधि 1975 से 1977 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार का सक्रिय रूप से विरोध किया। वह उन नेताओं में से थे जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तथ्य नंबर आठ, मुखर्जी ने कोलकाता में रवींद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रवींद्रनाथ टैगोर के कार्यों और दर्शन के अध्ययन के लिए समर्पित है। तथ्य नंबर नौ, 21 नवंबर 1986 को अजय कुमार मुखर्जी का निधन हो गया। वे अपने पीछे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और शिक्षा और विकास में योगदान की विरासत छोड़ गए। अजय कुमार मुखर्जी की जीवन कहानी, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति उनके समर्पण, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित है। उनकी विरासत पश्चिम बंगाल और पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रही है। ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा।